क्वेश्चन है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से हैं? मैं इनके सब्जेक्ट तीनों साल पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, पढ़ा है और कंप्यूटर साइंस पढ़ा है ना। तो बेस्ट आपका, बेस्ट से बेस्ट जहां आपने हिलना ही नहीं है, पक्का आपने मेजर मैथ ही फिल कीजिए। कारण यह है कि 3 साल पढ़ा है, TGT के लिए, गवर्नमेंट के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल बन रहे हो, स्टेट में, सेंटर में, हर जगह। ये मेजर यही फिल कीजिए। आप कॉलेज बदल लीजिए, अगर आपको सीट ऐसे नहीं होगा वैसे, थोड़ा सा पढ़ लें, आपको सीट इसी में लीजिए, कॉलेज बदल लीजिए, लेकिन मैथ को मेजर सब्जेक्ट आपने नहीं बदलना। बेशक आप लड़की हो, लड़की हो, हाँ दीप कौर, हाँ तो लड़कियां कहती हैं कि नज़दीक चाहिए। नहीं राजे, आप अपने सब्जेक्ट को प्रेफर करो। कहीं आपने कंप्यूटर साइंस फिजिक्स ले लिया, उसकी बात बता देता हूँ उसका कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम है। आप मैथ्स को मेजर सब्जेक्ट लो और जाके आपके पास टाइम होगा, बेशक फ़ोन भी मेरे से कर सकते हो और मैं बता भी देता हूँ, वीडियो से भी आप गाइडेंस ले सकते हो। फिर आपका बनता है कि क्या आप PGT टीचर बनना चाहते हो साइंस के, और आप फिजिक्स की पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी करनी है, आपने करनी है ना, तो फिर आप मैथ एंड फिजिकल साइंस कॉम्बिनेशन लोगे। लेकिन आपको मैथ का फायदा इतना है कि आप MSc मैथ्स करते हो, मैथ के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो गए, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी, PGT अगर मैथ्स की MSc करते हो। अगर ये करनी है तो आप इसके साथ ये लोगे, अगर ये नहीं करनी तो आपको क्योंकि आप मैथ के साथ साइंस नहीं आपको मिलेगी। अगर पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी है वो दे देंगे, लेकिन उसका फ़ायदा आपको शायद ही हो, क्योंकि एडिशनल जो साइंस के दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ बाद में बायो, जहाँ लंबी लिस्ट है साइंस की दी हुई, बायो है, केमिस्ट्री जो स्कूल सब्जेक्ट हैं ये पढ़े हुए होने चाहिए, ये 3 साल आप कैसे एडिशनल पेपर दोगे? नहीं होंगे तो साइंस के लिए आप एलिजिबल नहीं बनोगे। ये मैं अभी सर्च करके बता दूंगा कि साइंस वालों को कोई इलाज यूनिवर्सिटी ने किया है या नहीं, दैट इज वाई। ये हो गया। और कंप्यूटर साइंस TGT के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस की अभी तक पोस्ट नहीं निकली गवर्नमेंट की, तो अभी BEd की एलिजिबिलिटी बन गई है, मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, वो दे दूंगा। तो ये आपका बेस्ट बन रहा है मैथ के साथ लैंग्वेज कोई ना लीजिए, क्योंकि वो जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी पढ़ी होगी, तो प्रेफर कीजिए फिजिकल साइंस अगर PGT करनी है, अदरवाइज मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस आप ये ले लीजिए, तो सीधे आपको कुछ भी और एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। अगर बाद में एडिशनल करना है तो BEd के बाद ये एडिशनल करके आप फिजिक PGT के लिए, सॉरी टीच पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस करके आप उसके लिए एलिजिबल बन सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर भी आपको MSc फिजिकल साइंस करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।